ओके कैसे आप सभी लोग, होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। अगर मेरे बताऊं गाइस तो मैं भी एकदम चकास हूं। सो गाइस इन दिस वीडियो आई टेल यू कि मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी, मतलब 2 साल हो गए पता भी नहीं चला, बहुत प्रॉब्लम भी आई, और तुम्हारा भाई कैसे पार करता चला गया उनको, वो आप देखोगे इस वीडियो में। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो ज्यादा बकबक नहीं करते, चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो मैं स्टार्टिंग से सभी बातें क्लियर करता चलूंगा एक के बाद। आप लास्ट तक देखना, इस वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा मिले, ताकि आप भी आगे प्रोग्रेस करो। ओके तो पहले तो मैं अपना फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस बताता हूँ जिम का, ठीक है। उसके पहले की चीज अगर आपको देखनी है तो आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो भाई, मैंने जिम ज्वाइन करी थी 4 नवंबर 2020 को। इज यूजुअल जैसे सभी बंदे एक्साइटेड रहते हैं जिम जाने के लिए, पहले महीने तो गाइस मैं भी बहुत एक्साइटेड था, है ना। भले मुझे फॉर्म पता नहीं हो या कुछ हो नहीं हो, लेकिन मैं जिम बहुत बढ़िया करता था। अब आप बोलोगे कि ट्रेनर की गाइडेंस में करना चाहिए ना भाई वर्कआउट, तो भाई मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जिम के 2 साल बिना ट्रेनर के गुजार दिए भाई। मतलब मैं इतनी सस्ती जिम में जाता हूँ कि वहाँ ट्रेनर भी नहीं था, और वो भी मैं पैदल जाता था। ना ही मेरे पास कोई बाइक थी, ना ही कोई साइकिल थी, अपने 2 पैर सही सलामत थे। 1.5 किलोमीटर जाता था और 1.5 किलोमीटर आता था। और जब मैं 11th क्लास में था तो गाइस पढ़ाई, जिम, डाइट, कोचिंग सब कुछ मैनेज करना पड़ता था भाई। और हाँ, कोरोना वायरस का डर अलग था। देन जैसे जैसे मैंने मेरे 5 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग कम्प्लीट करी, लाइक वो 5 मंथ्स मेरे लिए बहुत हार्ड रहे हो, कुछ नॉलेज नहीं थी, किसी गाइडेंस तो बहुत जरूरी होती है शुरू शुरू में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिली थी, और इसी कारण से मेरा 5 मंथ की प्रोग्रेस बहुत स्लो हुई थी। क्योंकि जहाँ मुझे डाइट का नॉलेज नहीं था, मुझे वर्कआउट का नॉलेज नहीं था, ना ही मुझे पता था कि कैसा क्या होता है, कि मसल प्रोटीन किस काम का आता है, कैलोरीज क्या होती है, कुछ पता नहीं था भाई। एक टाइम था जब तुम्हारा भाई किसी से ट्रेनिंग के लिए तरसता था, लेकिन आज तुम्हारा भाई दूसरों को ट्रेनिंग देता है भाई। प्राउड ऑफ यू ब्रो, प्राउड ऑफ यू। फिर भी गाइस मैंने 5 मंथ तो जैसे तैसे निकाल लिए थे और सब कुछ बढ़िया चढ़ रहा था, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही पसंद था। फिर लगा लॉकडाउन 14 अप्रैल 2021 को, कोरोना के केस बहुत बढ़ने लग गए थे, गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाना पड़ा फिर से। जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल, ये सभी कुछ बंद हो चुके थे, एंड ये लॉकडाउन लगा था 2 मंथ्स के लिए। इन 2 मंथ्स में गाइस मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, मतलब मैं मेरा कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सब कुछ खो बैठा था, क्योंकि सभी कुछ चीज बढ़िया चल रही थी। एकदम से लॉकडाउन आ जाएगा तो कैसा चलेगा भाई, मक चकराने लग गया कि करूँ तो करूँ क्या। होम वर्कआउट तो कर नहीं सकता था क्योंकि मुझे 5 मंथ हो गए थे वेट के साथ करते करते, और घर पे भी गाइस कितना करूँ यार, करते करते बोर हो जाते बंदे। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं थोड़ा बहुत करता था। उसी टाइम गाइस मैं BGMI भी खेलता था फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे BGMI की लत लग गई थी गाइस। मतलब सुबह से शाम उठ के मैं BGMI खेलता था। उस टाइम शायद वो पबजी हुआ करता था शायद। फिर गाइस मैं कंटेंट बनाने लग गया था पबजी का यूट्यूब पे, कि भगवान कुछ और ही चाहता था, ठीक है। पबजी का कंटेंट आ रहा था, उस पर व्यूज तो आ नहीं रहे थे, और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा। और मैं अलग, स्किनी अलग था तो बंदे चिढ़ाते थे, बुली करते थे, घर वाले अलग परेशान करते थे। तुम्हारा भाई फिर मोटिवेशन लाया। 15 जून को फिर से लॉकडाउन ओपन हुआ, मैं 15 जून को गाइस फिर से जिम भाग गया भाई। बाइक से तो मैं अभी थोड़े दिन पहले जाना चालू हुआ हूँ, वरना मेरे मतलब क्या बताऊं गाइस, क्या बताऊं। एंड देन मैंने मेरा वर्कआउट कंटिन्यू चालू रखा। 4 नवंबर 2021 को मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका था मेरी बॉडी बिल्डिंग को। मैं बहुत खुश था गाइस कि मतलब 1 साल कब निकल गया पता ही नहीं चला भाई। शुरू शुरू में पता लगता है, उसके बाद तो आप अगर डेली रूटीन में आ जाएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा भाई, पता भी नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है। आज की डेट है 21 सितंबर, 2 साल मतलब कंप्लीट होने वाले गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है, उनको इग्नोर करो और अपने गोल पे फोकस करो। रोज आना जाना करता था पैदल जिम पे, प्लस मैं कोचिंग भी अकेले पैदल जाता था। मतलब बहुत स्ट्रगल वाली जिंदगी मैंने जी है इन 2 सालों में। 16 से 21 की एज गाइस यही एज होती है जहाँ आपको कुछ करना पड़ता है। अब गाइस मैंने पढ़ाई भी अच्छी करी है, 12th भी क्लियर करी है, मेरे 80% बने 12th में। प्रूफ के लिए गाइस ये सर्टिफिकेट है जो कि मुझे मेरी कास्ट मतलब समाज की तरफ से मुझे पुरस्कार दिया था। साथ में ये शील्ड भी दी थी, एंड यस ये नेताजी वाला गमछा भी। डायट भी मैंने ली है, खुद घर पे बनाई है,
क्योंकि घर मम्मी को इतना वो नहीं बोझ नहीं दे सकता ना, क्योंकि पहले उनको इतना बोझ रहता है काम का। बर्तन भी मैंने खुद धोए हैं तो पता भी नहीं चला 2 साल कब निकल गए। आप भी फोकस रहो अपने गोल के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जरूर करना ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी फिट स्टे हैप्पी लव एंड पीस। भाई से अभी भी दिख रहे क्योंकि गाइस ये ओवरसाइज टी शर्ट है।